अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मेरा छुट्टी का दिन था तो मैंने सोचा मैं आज इफ्तारी बनाती हूँ। तो मेरे मामा को किचन से निकाल दिया और मैंने कहा मैं खुद सारी चीज़ें बनाती हूँ। सबसे पहले इफ्तारी शुरू होने में 45 मिनट्स रह गए हैं, तो अब हम इसमें पैटी करते हैं। इसमें से चीज़ें मैंने कोई नहीं बनाई हुई, मैं सिर्फ उन्हें या ये क्या बोलते हैं फैट, इसको ओवन ऑन करूँगी या फ्राई करूँगी। ये हमने इसे ऑन कर दिया 20 सेकेंड्स पर, ठीक है 20 सेकेंड ही 20 मिनट्स पे, सही है 20 है ना। हाँ, अब जब तक 20 मिनट्स में पैटीज बनेंगे हम लोग रोल समोसा पकौड़े के सब कुछ फ्राई करेंगे। चलो अच्छा, मैं इतनी कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ चूल्हा वगैरह जलाने में, तो मेरा बस यही स्टाइल है चूल्हा जलाने का। सेम मामा इसमें बनाती है, उसमें बनाती है, उसमें ना उस फटी वाली में गलती करती रख देते हैं। ये तरीका चूल्हा जलाने का मेरी नानों ने मुझे सिखाया था। दूसरे तरीके से मुझे बहुत डर लगता है, जो माथे से यूं करती है और आग लगती है, इससे भी लगता है वैसे, मगर इससे कम लगता है। इसके ऊपर हमने रखा ऑयल, तो ओके अब हम इसमें ये चीज़ें डालेंगे। मैं कहीं ऑयल के ज़्यादा पास करके तो नहीं डाल रही हाथ। अब हम इसके फ्राई होने का वेट करेंगे। समझ नहीं आई माँ आलू क्यों पड़ा हुआ है, पता नहीं मामा ने इसका कुछ करना होगा। अच्छा, अब जब तक हम इसका फ्राई होने का वेट करेंगे तब तक दूध में चीनी मिक्स करेंगे दूध थोड़ा बनाने के लिए। अब हम दूध थोड़ा बनाने के लिए पहले दूध में चीनी मिक्स करके रख देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद जब आखिरी 5 मिनट रह देंगे तब उसमें पेप्सी डालेंगे 1 चम्मच और आधा चम्मच, ठीक है इतनी चीनी का। अब दूध दूध ही नहीं खुल रहा, खुल जाएगा इतना भी मुंह मत लगाओ उसमें गिर जाए। क्यों नहीं खुल रहा, खुल गया। अब हम इसको रख देते हैं फ्रिज में, तब तक जाके समोसे पकौड़े नहीं समोसे और रोल देखते हैं कहीं वो जल तो नहीं जाए। मैंने कहा आपसे जल्दी जल्दी मैं इनको देख लेती हूँ, ऐसा ना हो मेरा वो बाकी काम करने के चक्कर में ना और वीडियो चेक करने के चक्कर में ना चल जाए। मगर अभी ठीक है, जले नहीं है, सही जा रहे हैं, खुशबू आने लग गई थे। हाँ थोड़ी बहुत, जलने से बच गए हैं ये, ठीक है और सही टाइम पे आ गए हैं पिप्सी हम लोग निकालने के लिए, वरना मैं वीडियोस देखने लग गई थी कि वीडियो कैसी बन रही है। यस स्मेल अच्छी आ रही है, पहली रोज़ लग रहा है और बस इसकी स्मेल देख के और भूख लग रही है मुझे। चूल्हे के सामने सही खड़े हो के ना सही गर्मी का पता चलता है। चलो इसको हम डालेंगे और ये पक गए हैं, मगर हम इनको किचन के अंदर ही रखेंगे ताकि ये बाहर पंखे के नीचे ठंडे ना हो जाए। और अच्छा, अब ऑयल को थोड़ा सा हल्का कर दिया और इसमें मामा के पकौड़े डाल देंगे। मामा डाल दें और
देखो पकौड़ी डाल सूफी बस 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 इसको ब्लॉक करना अभी और वेट करना मुझे तो डाल नहीं आ रहा ऑयल गरम हो तो हो जाए बेटा ऑयल डालना तुम्हें पहले मैंने कहा था ऑयल साथ में और डालना मामा गोल करके डालना मेरे लिए फुल क्रिस्पी में मामा तुमने डालने डाल ज़्यादा मिक्सचर में ना मामा ये आम डाल दे बिना ऑयल के डाल लेना ज़्यादा नहीं ज़्यादा ही ऐसे ठीक है ना निकल आएंगे मम्मी इसे अंदर ही छोड़ दूं जी छोड़ और
मैं शायद काफी ज्यादा पेप्सी डाल देती हूँ, ये पूरी पेप्सी खत्म हो जाती है। दो डब्बे दूध के अंदर ओवरफ्लो हो गया, नहीं गिरेगा, हम इसे मिक्स कर लेंगे, थोड़ा थोड़ा गिरेगा। अच्छा, और दो जग दूध के बनेंगे, इसी जग के अंदर मैं दोबारा बनाऊंगी, तो इसके अंदर जो है ऑलरेडी वो। ओके, अब दूध गिर ही ना जाए, थोड़ा सा गिर गया। अहमद एक टिश्यू बॉक्स पे ले आना जरा। दूसरी बार का दूध थोड़ा इतना रख लेते हैं ना, मामा ने कल कहा था, कल बच गया था, तो आज थोड़ा पानी में ना काम रखते हैं। इधर तक रख लेते हैं इतना। क्या हुआ मम्मा, बहुत ज़्यादा होती जा रही है, तो सुख एक वीडियो बना रहे और मामा इसको निकाल रही थी, दोस्त लग बड़े मुद्दा है ना, खजूर कॉकरोच जैसी, सही बहुत बुरी बात है। 4 मिनट रह गए और सारी चीज़ें हो गई। सब कुछ तैयार हो गया और बस अफ्तारी होने वाली है 2 मिनट में। ओके गाइस, अफ्तारी कर लिया और उस टाइम मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी क्योंकि फ़ौरन अजान हो गई थी और सब लोग खाने में लग गए थे। सुहेब ने एक छोटा सा क्लिप बनाया था मगर वो बिल्कुल ठीक नहीं बना था, तो मैंने कहा रहने दो, उसको नहीं लगाते। और अब अजान हो गई है, मैं तो बस बैठी हुई थी, चाय पीने का वेट कर रही थी। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना और कोई अच्छा सा कमेंट, और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, सही है। और साथ में बेल आइकन को भी क्लिक कर देना। और रोज़ा खोलते वक्त सब लोग लाजमी दुआ किया करें, क्योंकि रोज़ा खोलते वक्त जो दुआ होती है वो कबूल होती है, तो इस चीज़ को याद रखें। और आजकल अपने मुल्क को भी दुआओं में ख़ास याद रखें क्योंकि मुल्क के हालात बिल्कुल ठीक नहीं जा रहे हैं, ठीक है। और अब आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।